क्रिकेट स्टोरी के न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरीके से पीट दिया है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से जीत मिला है। दोस्तों हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की प्रॉब्लम बन चुके हैं। जिस हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रोहित को कैप्टेंसी से हटाकर हार्दिक पांड्या को बनाया था, वही हार्दिक पांड्या लगातार 3 मैच हार चुके हैं। जी दोस्तों, मुंबई इंडियंस की बुरी समय आ चुका है क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी को हटाया है जो कि 5 बार IPL का टाइटल जीत चुका है। जी दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही धमाकेदार तरीके से बॉलिंग किया। मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटके, तो वहीं नैंड्रे बर्जर ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट झटके, वहीं अवाइस खान ने भी 1 विकेट लिया। और वहीं यजुवेंद्र चहल की बात करें तो उन्होंने भी 4 ओवर में 11 रन देकर सिर्फ 3 विकेट झटके, 2.8 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग किया। इतना दमदार बॉलिंग राजस्थान के तरफ से किया गया कि मुंबई के बल्लेबाजों को हवा ही नहीं लगा, पूरी तरीके से बिखर गया, स्मैश कर दिया राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके से बॉलिंग हुआ। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मुंबई इंडियंस के तरफ से सबसे हाईएस्ट रन जो है तो हार्दिक पांड्या ने 34 रन बनाए और वहीं तिलक वर्मा ने 29 बॉल में 32 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का स्कोर भी टच नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कि टॉप के 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा, नमन धीर और डेवाल ब्रेविस 0 में आउट हो गए। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स को 125 का जो टारगेट मिला था उसका पीछा करने उतरी, तो राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 15 ओवर में ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया। 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स ने प्राप्त कर लिए, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से जीत मिला। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की भी शुरुआत खराब रहा था। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर केवल और केवल 10 और 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं संजू सैमसन कैप्टन भी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ने पारी को संभाला और जीत दिलवा दिया। रियान पराग ने 39 बॉल में 54 रन बनाए 138 के स्ट्राइक रेट से, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 16 रन बनाए। दोस्तों इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को बहुत ही धाकड़ जीत मिला है और वहीं पर मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या का पोल भी खोलता है। जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से भिड़ रहे हैं, मैदान में लड़ाई कर रहे हैं, ये भी देखने वाली काफ़ी शर्मनाक बात है। और जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या अपने एटीट्यूड में रहते हैं, कभी कोई भी एडवाइस रोहित शर्मा से नहीं लेते, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ MS धोनी से आपको एडवाइस लेते हुए दिखते हैं, वैसा मुंबई इंडियंस के साथ नहीं दिखता है। तो दोस्तों आप किसके सपोर्टर हैं, क्या मुंबई इंडियंस के सपोर्टर हैं या राजस्थान रॉयल्स के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस इस बार IPL का खिताब जीत पाएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।